ये कहानी अपनी दोस्त के बारे में है कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी का जरूरत वक्त आने पर ही आता है। एक हाथी खुद को अकेला महसूस कर रहा था। फिर वो सोचा कि क्यों ना कुछ दोस्त बनाया जाए। फिर वो चल पड़ा जंगल की तरफ। फिर उससे रास्ते में ही एक मगरमच्छ मिला। फिर हाथी ने पूछा, कैसे हो दोस्त, चलो कुछ खेलते हैं। फिर मगरमच्छ ने जवाब दिया, क्या बात कर रहे हो, तुम्हें तो मेरे तरह तैरना भी नहीं आता, तुम कैसे मेरे दोस्त बनोगे, चलो भाग जाओ यहाँ से। सभी तरफ कीचड़ ही कीचड़, बड़ा मजा आ रहा है। मेरे भाई, क्या तुम मेरे साथ कुछ खेलोगे, बहुत अकेला फील हो रहा है। तुम तो बहुत भारी हो यार, तुम कैसे मेरे साथ कुछ खेल पाओगे, वो भी इस पानी पे। बेहतर यही होगा कि तुम किसी और के साथ कुछ खेलो। फिर वो हाथी उदास होकर जंगल की तरफ चल पड़ा। उससे रास्ते पे एक कौवा मिला। उदास हाथी उससे भी पूछ पड़ा, हे मेरे यार, क्या तुम मेरे साथ कुछ वक्त बिता पाओगे। कौवा ने भी मना कर दिया, ये बोल के कि तुम तो उड़ भी नहीं सकते मेरे तरह। कौन आ रहा है, कोई तो आ रहा है, और तुम क्या। फिर हिरन ने भी उस हाथी को मना कर दिया। चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं, चल भाग यहाँ से। एक भेड़िया ने देखा कोई उसके इलाके में आया है। फिर वो हाथी से पूछा कि क्या हुआ। फिर हाथी ने भी बोला, कोई दोस्त नहीं बन रहा है। फिर भेड़िया ने बताया कि वक्त आने पर ही हर कोई अपना अपना दोस्त बनाता है। फिर एक दिन सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। हाथी ने ये सब देखा और पूछा कि क्या हुआ है, क्यों भाग रहे हो। फिर भेड़िया ने बोला कि कुछ शेर ने हमला कर दिया है पूरे जंगल को। फिर हाथी ने सोचा कि आखिर कौन है जो ये सब कर रहा है। हाथी ने शेर के पास जाकर बोला कि बंद करो ये सब, सभी जानवर परेशान हो रहे हैं तुमसे। पर घमंडी शेर ये सब कहाँ सुनने वाला था। उसने उसके विपरीत उसने हाथी को ही लड़ने के लिए ललकारा। फिर शेर ने जब लड़ने के लिए हाथी के ऊपर छलांग लगाया तो हाथी ने एक ही बार में उसे ढेर कर दिया। सभी जानवर को जब ये पता चला तो सभी ने हाथी को ही अपना दोस्त बनाना चाहा।